शाबा चलो जल्दी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद अयूब है, मैं सिविल डिफेंस वर्कर हूं और फायर ब्रिगेड इस्लामाबाद का मुलाजिम हूं। मैं सन 1976 में अपने गांव से आया और मुश्किल से नौकरी तलाश की, कुछ कोर्सेज किए। जब फायर फाइटर में भर्ती हो गया तो जब भी किसी हादसे पे मैं जाता था तो जाहिर है किसी की मदद करना, किसी के काम आना, लेकिन दिल ये कहता था कि रोज़ाना किसी के काम आऊँ। लेकिन मैंने इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद जो है एक VIP शहर है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इनको देखा कि बड़े बड़े अच्छे बच्चे जो हैं बड़े अच्छे कपड़े पाकर गाड़ियों में बस्ते लेकर और वैगनों में जा रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स कुछ बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, किसी पर अजियत है, कुछ मांग रहे हैं, किसी को आवारे फिरते देखा है, कुछ चोरियाँ करते भी देखे हैं मैंने बच्चे, और जुआ खेलते भी देखे हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर ये बच्चे इसी तरह रहेंगे और ये पढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, ये तो हमारे मुल्क के लिए एक मसला बन जाएगा और ये बच्चे तो चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे और दहशतगर्दों के काबू आएंगे। तो उनमें कुछ बच्चे जो थे चोरियाँ भी करते थे। मैं हर एक बच्चे से मिला हूँ, हर एक बच्चे के पास गया हूँ, उसके घर गया हूँ, महसूस किया। किसी ने बताया मेरे माँ बाप नहीं है, किसी ने बताया कि हमारी ये मजबूरी है, किसी ने कहा हम बहुत गरीब हैं, लेकिन दिल ने इरादा किया कि इनको पढ़ाया जाए। लेकिन मैंने अपनी बीवी से मशवरा लिया, लेकिन मेरी बीवी ने कहा इन लोगों से अकेला तू कहाँ लड़ेगा, लेकिन मेरा इरादा एक पुख्ता था। और ये सन 1982 की बात थी और सन 1982 में मैंने एक लड़का जो गाड़ियाँ धो रहा था उसको लिया और वहीं ज़मीन पर बैठ कर उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके 5 भाई थे, 3 बहनें थीं, माँ बाप नहीं थे, तो अपने पास से मैंने कापी दी, पेंसिल दी और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर वो बच्चा जो चोरियाँ करता था उसको पढ़ाना शुरू किया, फिर वो बच्चा जो छाबड़ी लगाता था, फिर मेरी सर्वे रहती थी, जहाँ कहीं मुझे पता चलता था कोई गरीब यतीम बच्चा पढ़ नहीं सकता, मैं बगैर किसी फीस से पढ़ाता था, अपने पास से कापी देता था, पेंसिल देता था। मेरी तादाद बढ़ती गई, एक जगह से उठा दिया, मैं दूसरी जगह चला गया हूँ। सीरिया ने मुझे भी कई जगह से उठाया, पुलिस ने उठाया कि बच्चे जमा करके तुम क्यों इकट्ठे करते हो, और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये कोई जासूस है, ये कोई ईसाइयत फैलाता है, ये कोई ऐसे काम करता है। लेकिन मेरी 6 साल इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में क्लियर हुआ, पता चला कि ये तो बच्चों को पढ़ाने वाला उस्ताद है। और जब 6 साल इंक्वायरी होने के बाद, हालांकि लोगों ने तंग किया, वहाँ बच्चों ने भी मारा पीटा मुझे, क्यों, जब उनको मैं किसी गलत काम से रोकता था, जुआ से रोकता था, चोरी से रोकता था, तो जाहिर वो बातें कसते थे और मारपीट करते थे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं कामयाब होता चला गया और उस वक्त सन 1982 से लेकर 83 तक मेरी 50 बच्चों की तादाद हो गई थी, लेकिन तादाद बढ़ती चली गई। आज जबकि 1982 से लेकर 2018 हो गया, हजारों बच्चे मेरे पास से पढ़ के जा चुके हैं, मेरा कोई लेने देना नहीं है। मेरा मकसद ये था कि इस पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए, इन बच्चों को पढ़ा कर फौज में भेजा जाए, पुलिस में जाए, ये बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और मैंने, जब मेरे बच्चों की तादाद बढ़ती चली गई, मैंने शिफ्टें बांट दी और पहली शिफ्ट जो मेरी 3:30 से शुरू होकर ये 7 बजे तक, दूसरी शिफ्ट जो है मेरी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, तीसरी शिफ्ट जो है मेरी 9 से 11 तक, इसमें मुख्तलिफ बच्चे काम करने वाले, बर्तन धोने वाले या मजदूरी करने वाले, फूल बेचने वाले बच्चे आते थे। मैं जो गरीब यतीम बच्चे थे उनको खुद मैं कापी देता था, पेंसिल देता था, और इस तरह मेरी तादाद बढ़ती चली गई, हजारों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। अब भी मेरा माइंड यही है, पहले भी यही था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं और पाकिस्तान के लिए डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, और ज़्यादा जो शौक था मेरा यही था कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है जो जिसके लिए हमारे दुश्मन हमें घूरते हैं। मैं चाहता था कि इन में बच्चों में से कोई डॉक्टर करीब बनाया जाए।
इनमें से ही अपना अब्दुस्सदारिदी बना जाए ताकि मेरा मुल्क जो है अपना तरक्की करे और इस किस्म के लोग आए। इसके लिए जो मेहनत की जाती थी उसके लिए जब तक खुद बंदा एक अच्छी सलाहियत रखता हो, अच्छा लीडर हो, अच्छा पढ़ने वाला हो, अच्छा पढ़ाने वाला हो, तो तभी ये कामयाबी के रूप मिलते हैं। मैंने अपनी मेहनत से पहले मैंने अपनी खुद तालीम हासिल की, फिर मैंने अपने आप को एक नमूना पेश किया कि मैं ये काम किए जाएं, क्योंकि लीडर के अंदर ये खसूसियात होनी चाहिए कि वो पढ़ा हुआ हो, नमाजी हो, इखलाक वाला हो, उसके अंदर बोलने की तमीज़ हो, वो प्यार मोहब्बत रखता हो और आगे तरक्की की तरफ सोचता हो, अपने मुल्क से प्यार करता हो, तब हम इनको पढ़ा कर आगे ले चले। वरना अगर लीडर अच्छा नहीं होगा तो आने वाले जो बच्चे हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसकी नकल नहीं कर सकेंगे। अगर अच्छा लीडर होगा उसी की नकल कर आगे चलेंगे और वो भी एक अच्छा लीडर साबित होंगे। आज हमें तालीम के लिए बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारे लीडर कैसे थे, लीडर के बारे में बताना चाहिए। लीडर अगर अच्छा होगा तो ये बच्चे भी बनेंगे। मिसाल के तौर पर लाइब्रेरी के अंदर वो किताबें या निसाब की वो चीज़ें जो इनको पढ़ाई जाएँ, इलामा इकबाल के बारे में, कैद आज़म के बारे में, या तारीख के बारे में, इस्लामियात के बारे में, माशरे के बारे में, अखलाकियात के बारे में, अगर हम इनको ये चीज़ें बताएँगे और ये चीज़ें इनको सिखाएँगे तो तब हमारा माशरा भी अच्छा होगा और आगे बढ़ेगा। लीडर अगर इनमें से अच्छा होगा यकीनन वो लीडर अच्छा होने के बाद अपने दूसरों बच्चों को भी ये कुछ सिखाएगा ताकि वो भी कल चल के अच्छा लीडर बन सकें। तालीम के होते हुए इन बच्चों को वो चीज़ें सिखानी चाहिए, सपोर्ट के बारे में इनको बताना चाहिए। इनको जब ये स्कूल से तालीम हासिल करके निकलें इनको किसी हुनर के बारे में बताना चाहिए, हुनर की तरफ इनको लेके जाना चाहिए ताकि ये अपने लिए एक अच्छा मकाम बना सके, एक अच्छे लीडर बन सके और कोई ना कोई काम करें हुनर से और वो दूसरों को भी सिखाएं ताकि ये भी कामयाबी हासिल कर सकें और हमारा मुल्क भी कामयाबी हासिल कर सके। इस तरह हम आगे बढ़ें। कोई भी हो, चाहे वो हुनर तालीम का हो, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे वो किसी कारखाने का हो, चाहे वो किसी भी कोई चीज़ बनाने का हो, ताकि इनके अंदर वो हुनर आएगा, इनके अंदर वो सीखेंगे, तब वो भी एक तालीम है, वो चीज़ें जब सीखेंगे खुद ब खुद अपनी अपना कमाई का जरिया भी बनेंगे, तालीम का जरिया भी बनेंगे और हमारे यहाँ मकैनिक भी बनेंगे, इसी तरह पुलिस भी बनेगी, आर्मी फौज भी बनेगी, डॉक्टर्स भी बनेंगे, तो तभी बनेंगे तब जब इनको ये चीज़ें बताई जाएं, सिखलाई जाएं। देखें जो बच्चा होता है वो पैदाइशी कोई सीखा हुआ नहीं होता, जब वो पैदा होता है तो जूं जूं वो बड़ा होता है उसको सिखाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, उसको तालीम के उससे लेकर आगे तक हुनर तक सिखाया जाता है। और वो कौन है? वो एक अच्छा लीडर हो, एक अच्छा उस्ताद हो, एक अच्छा इंसान हो जो उसको सब तरीके बताए, सब सिखाए, ताकि वो भी आगे चल के हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी आबादी के लिए वो एक अच्छा बेहतर उस्ताद बने या कोई अच्छा लीडर बने या कोई अच्छा अपना किसी कारखाने का या किसी भी फैक्ट्री का एक अच्छा मुलाजिम बने या लीडर्स बने, तो तब हमारा मुल्क तरक्की करता। उसके लिए क्या है? एक अच्छा लीडर हो और अच्छी बातें उसको सिखाई जाएं, बताई जाएं, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, काम कैसे करना है, हमारे अंदर क्या अखलाकियात है, क्या चीज़ें हमारी अच्छी हैं, तब हम तरक्की करते हैं। मैंने अपनी तालीम हासिल करते हुए उसमें मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, लेकिन सबसे जो अच्छी किताब मुझे लगी तो वह कैद आज़म की थी। और कैद आज़म के बारे में जब मैंने पढ़ा तो रात को जब वो देर तक पढ़ रहे थे तो उनकी बहन फातिमा ने कहा कि अली आप अभी तक जाग रहे हो? तो उसने कहा कि थोड़ा सा काम बाकी है तो मैं बस अभी सो जाऊंगा। लेकिन जब रात का तीसरा पैर हो गया तो तब भी एक छोटी सी रोशनी उनकी रोशनदान से आ रही थी और फातिमा ने फिर देखा कि भाई तो अभी भी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि अली ये तमाम लोग सोए पड़े हैं और तुम जाग रहे हो और पढ़ रहे हो? तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि फातिमा बहन, अगर आज मैं सो गया, आज मेरी कौम सोई हुई है, आज मैं सो गया तो बड़ा लीडर कैसे बनूंगा और मुझे
जागना है और एक बड़ा लीडर बनना है, तो देखें वो कितना अपनी मेहनत और पढ़ने से एक अच्छे लीडर बने। तो एक अच्छे लीडर के लिए बनने के लिए उसको अच्छी तालीम हासिल करनी पड़ेगी, अच्छा बनना पड़ेगा, तब वो एक अच्छा लीडर बनेगा। तो मैंने ये किताब बहुत अच्छी पाई और इसमें बहुत दोस्तों को, अपने स्टूडेंटों को और आने जाने मिलने वालों को कहा कि इस किताब को पढ़ा जाए और इस किताब पर चला जाए ताकि आप भी एक अच्छा लीडर बन सकें। मैं अपने पाकिस्तान के तमाम उन नौजवानों को, बड़ों को, छोटों को, ख़वातीन को पैगाम देना चाहूँगा कि अपने पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ें। हर बंदा अपना इनफरादी तौर पर किरदार अदा करे और तालीम की तरह पढ़े। अगर आज हम इन बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो कल ये बच्चे चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे और ये दहशतगर्दों के काबू आ जाएंगे। तो आओ उठो, मिलकर उठो और तालीम को आगे लेके चलें ताकि मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे और अपने दुश्मन को भी बता सकें हम कि हम इन बच्चों को वो चीज़ें सिखा रहे हैं ताकि वो चीज़ें सिखा कर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर बना सकें, डॉक्टर अब्दुल सतारीदी बना सकें और डॉक्टर इंजीनियर बना सकें ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सकें। ये मेरा पैगाम है सब भाइयों दोस्तों के लिए। और जो लोग ट्यूशन या महंगी फीसें लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें कमी महसूस करें। अगर गरीब का बच्चा है वो नहीं पढ़ पाएगा, वरना वो गरीब का बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो पीछे रह जाएगा, तो वो मुल्क के लिए नुकसान है। आओ बड़े उनको भी पढ़ाएं, सब बच्चों को पढ़ाएं, एक निसाब होकर पढ़ाएं ताकि मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।